अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आई होप सो कल की असाइनमेंट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। BT 102 माइक्रोबियोलॉजी जो मैंने असाइनमेंट थी अपलोड की थी, मैंने बहुत कम टाइम में वो सारा डाटा कलेक्ट किया था, फिर आपको अपलोड किया था। आई होप सो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने उसे कॉपी पेस्ट भी नहीं किया होगा, आई होप सो, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान फिर आप ही का है, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि मैं क्यों इतना बोलती हूँ कि कॉपी पेस्ट मत किया करें। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, आप ही के भले के लिए कहती हूँ कि ये आप ही को नुकसान देता है फिर, ठीक है। तो अब ये सामने मैंने आपके एक असाइनमेंट खोली हुई है, ठीक है, ये किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ली है, ठीक है। और ये असाइनमेंट थी 30 मार्क्स की असाइनमेंट, ठीक है, और ये कोई आई थिंक मिड टर्म की असाइनमेंट है, ठीक है। फूड बायोटेक्नोलॉजी की असाइनमेंट थी कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फॉलोइंग, ये दो फ्रूट्स थे खलपी और किमची, इसके ऊपर आपने नोट लिखना था। इसके अलावा शायद एक और क्वेश्चन भी है, मतलब ये पूरा एक असाइनमेंट है, ठीक है। और ये भी नीचे देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अर्ली मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पिकलिंग इन विनेगर, सॉल्टिंग मीट, शुगर टू मेक जैम, स्टोरिंग इन एल्कोहल, और आखिर में है सन ड्राइंग। यानी कि ये सारी दो क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट थी। अब मैंने असाइनमेंट पढ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बट उस स्टूडेंट के इसमें जो है 30 में से जो है वो 19 मार्क्स हैं जिसने मुझे ये असाइनमेंट शेयर की है। लेकिन मैं हैरान थी कि ये इतनी अच्छी लिखी हुई है, उसने बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई है, लंबी है, डिटेल्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, हेडिंग्स के साथ है, अच्छे तरीके से लिखी हुई है। लेकिन अगेन वही बात कि उसने कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं इंटरनेट से, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो है मार्क्स कटे हैं, ठीक है। उसने खुद भी लिखी है बीच में से, लेकिन कॉपी पेस्ट की है। मैंने आपको कहा था कि PDF आपने, मतलब चाहे पूरी असाइनमेंट खुद से लिखी है, एक लाइन भी अगर आपने कहीं से पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट की हुई है ना, दे विल कैच यू, ठीक है। तो अब वो कैसे किया हुआ है उन्होंने, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो ग्रेडेड असाइनमेंट जो टीचर ने ग्रेड की हुई है, वो उन्होंने कैसे ग्रेडिंग की है, उन्होंने कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स काटे हैं, मुझे जो कि बड़ी अच्छी लग रही है ओवरऑल जो मैंने पढ़ी। लेकिन उसके बाद मैंने जब उनकी देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल में ये सारी कॉपी पेस्ट है, जाहिर है डिफरेंट सोर्सेज से ली हुई है, तो फिर टीचर कैसे आपको अप्रिशिएट करे अगर आपने कोई चीज़ खुद से नहीं लिखी हुई है। तो आपको वो दिखाती हूँ मैं, ये देखें, ये है वो सेम असाइनमेंट। अब आप इसके अंदर देख सकते हो डिफरेंट हाईलाइट्स हुई हैं चीज़ें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 32 और इसको लाइट ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये लाइट पर्पल में हाइट किया हुआ है, इसको 11 मार्क किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये मार्किंग की हुई है इन्होंने सारी, ठीक है, ये ग्रीन में मार्क किया हुआ है, उसको 17 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने सबसे लास्ट पे ना ये सारी इन्होंने जो हाईलाइट की है ना, ये बता रहे हैं कि आपने कैसे कैसे कॉपी की है, कहाँ से, ठीक है। ये सारी हाईलाइट्स आपको ये बता रही हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये यहाँ से उन्होंने पूरी बता दी है कि आपने ये फर्स्ट वाली लाइन कॉपी की है, ठीक है, ये वाला आपने सारा कॉपी की है, ठीक है, ये आपने कॉपी किया है, जहाँ जहाँ ये आपको हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है ये कॉपी की हुई चीज़ें हैं। अब ये उन्होंने जो डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं वो उन्होंने नीचे जाके बताया हुआ है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने बोला है कि जो रेड कलर के हाईलाइट्स किए हैं ना, वो इंटरनेट सोर्स है, ठीक है। उन्होंने इंटरनेट सोर्स का वो लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से उस स्टूडेंट ने वो कॉपी की है, ठीक है। और 4% कॉपी आपने इस सोर्स से की है, 4% कॉपी आपने इंटरनेट के इस सोर्स से किया, www.ift.org। उसके बाद ये पर्पल में आपको जो नज़र आ रही थी, पर्पल हाईलाइट जो मैं आपको दिखा रही थी, वो ये सोर्स था, link.springer.com। 4% इस सोर्स से कॉपी किया हुआ है, और इस तरीके से उन्होंने सारे सोर्सेज की डिटेल दी हुई है कि स्टूडेंट ने 2% इधर से, 2% इधर से, 2% इधर से। तो आप देख सकते हो कि असल में इन जो टीचर्स होते हैं ना, ये ऑनलाइन स्टडीज़ वाला जो सिस्टम होता है, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसी जो है ना सिस्टम्स होते हैं ऐसे डिज़ाइन किए हुए, जो अब तो एप्लीकेशन भी बहुत आ गई हैं, लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं जिससे आप कोई पैराग्राफ, कोई लाइन उठा के अगर उसमें डालो तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, वो सॉफ्टवेयर या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगी कि ये कहाँ से और किस सोर्स से उठाया गया है। तो एज यू कैन सी, एक एक लाइन उस बच्ची की पकड़ी गई है, या बच्चा जो है उसकी पकड़ी गई है
कि कैसे उसने कहाँ कहाँ जो है किस किस सोर्स से, 1% इन सारे सोर्सेस से उसने लिया है, 1% इस सोर्स से लिया है, यानी एक एक सोर्स। हालांकि आप उस स्टूडेंट की मेहनत देखो कि उसने मल्टीपल सोर्सेस से जाके डाटा कलेक्ट किया है, मेहनत तो उसकी भी है, उस इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके ही किया है, लेकिन उसने मेहनत से काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगेन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, आपकी कॉपी पेस्ट कितनी ज़्यादा देखें आई हुई है। अब उन्होंने यहाँ पूरा रिपोर्ट दी हुई है, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है कि सिमिलैरिटी इंडेक्स, यानी कि आपका जो वो है सिमिलैरिटी है, यानी कि आपके पेपर की, आपके दी हुई असाइनमेंट की बाकी रिसोर्सेज से वो 63% है। इंटरनेट सोर्सेज से आपने 62% लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिकेशन से आपने 17% लिया हुआ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट की अपनी जो कलेक्शन है, जो स्टूडेंट ने खुद से लिखा हुआ है, वो जस्ट 38% है, ठीक है ना। ये आप देख लें कि वो किस तरीके से आपकी एक एक डिटेल पकड़ लेते हैं, एज यू कैन सी। तो मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि ये सब ना करें, ना करें। मैं ऐसे नहीं कहती थी, इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि वो आपको कैच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो मैंने सोचा मैं आज ही डाल देती हूँ, कल मैंने बोला था तो आज डिस्कस करनी चाहिए मुझे। तो एनी वेज आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह नेगेबान।